देश माँ भगवती को लखा देश, रांची वाले भैरव बाबा को लखा देश, आप सभी को आदेश आदेश। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साधना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तंत्र मार्ग में बहुत तरीके के काजलों को सिद्ध किया जाता है। इसमें ऐसे काजल होते हैं जो नयन में धारण करने के बाद आपको अलौकिक चीज़ें दिखती हैं। उसी तरीके से एक काजल ऐसा होता है जिसको आप अपने हाथ और पैर में जब लगाते हैं तो आपको आभास होता है कि आगे क्या घटना घटने वाली है। इसी साधना को बहुत सारे साधक कई साल तक और कई दशक तक करते हैं, तो उनके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि उनको जो तीनों लोक है उसमें क्या घटना घटित हो रही है वो पता चल जाता है। लेकिन ऐसा उनके साथ होता है जो सिर्फ इसी साधना को करते हैं अपने इष्ट के अलावा। ठीक है, तो ये मूलभूत रूप से एक वाम मार्गी साधना है, एक तांत्रिक साधना है, एक अघोर साधना है। ठीक है, आम लोगों के लिए यह साधना करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो सामग्री लगती है वो थोड़ी अभीष्ट है। सबसे पहले किसी भी दक्षिण मुखी शिवालय में, जहाँ पर महादेव के दक्षिण मुखी यानी भैरव मुख की पूजा होती हो उस जगह पर। अच्छा, जो शिवालय दक्षिण मुखी होता है वो खुले में होता है और वो बरगद के पेड़ के नीचे होता है, ऐसी जगह पर इसकी साधना होगी। ठीक, काजल बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको दो नर कपाल लेने होंगे, मतलब पूरा मुंड नहीं, सिर्फ ऊपर का कपाल। ठीक है, पहले कपाल में आप सरसों तेल दे करके दीपक लगाएंगे। ठीक है, दूसरे कपाल को आप उसके ऊपर आधा ढकेंगे ताकि वो बुझे ना, और उस कपाल में एक छेद करेंगे काटी से, और उसके ऊपर फिर एक कपाल रखेंगे। इस कपाल में जो धुएं से काजल जमेगा वो काजल जो है इस तंत्र में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था हो गई कि काजल बनता रहे। दूसरा विधान क्या है? दूसरा विधान ये है कि हम दक्षिण मुखी के सामने बैठ करके जाप करें। दक्षिण मुखी के सामने जाप करने का दो तीन व्यवस्था है जो आपको करना होगा। सबसे पहले आपको कस्तूरी इत्र इतना ज़रूर रखना है कि 11 बार आप उससे, जो आपके सामने दक्षिणवर्ती महादेव हैं उनकी आप उनका आप अभिषेक कर सकें। इसके अलावा बाबा का जो प्रिय है दो वस्तु, एक है भांग और दूसरा है अबरक, इन तीन दोनों को भी प्रचुर मात्रा में आपको रखना है ताकि 11-11 बाद आप जो है साधना में इसको चढ़ा सकें। ठीक है, देखिए इस पूरी साधना में जो विशेष बात का ध्यान रखना होता है ये रखना होता है कि इस साधना को करते समय आपके आसपास कुछ दुर्गंध आता है। जितनी बार इस तरीके का दुर्गंध आए उतनी बार आपको जो है इन तीनों वस्तुओं से जो आपके सामने शिवलिंग है उसका अभिषेक करना है। ठीक है, प्रथम चरण में मैं पहले आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम करमुखी विद्युजी हय ओम हह चेच कक जप स्वाहा। ओम करमुखी विद्युजी हय ओम हह चेचक, इसको चेचक मतलब चीच क क ऐसा पढ़ना है। ओम करमुखी विद्युगी है ओम हह चीच क क जप स्वाहा। ओम करमुखी विद्युजी है ओम हह चीच क जप स्वाहा। इस शब्द को मैं बार बार इसलिए कक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो दूसरा जो क है उसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको मैंने शुरू का साधना विधान बता दिया। दक्षिण मुखी शिवलिंग रख के सामने बैठ जाएंगे तो आपका मुख जो है वो पूरब की तरफ रहेगा, काला कमल का आसन रहेगा, काला आपका भेष रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले भस्म लगाएंगे। भस्म लगाने के बाद खुद को इत्र लगाएंगे
और जितने भी रुद्राक्ष आपने धारण किए हैं सबको इत्र लगाएंगे। तीसरे चरण में जितने भी मेटल आपने पहन रखा, वो चेन हो, हाथ में कड़ा हो, पैर में कड़ा हो, सब पर आपको इत्र लगाना है। ठीक, शुरुआत करने से पहले हाथ हस्त प्रक्षालन करेंगे, महादेव के सामने दीपक जलाएंगे, गूगल का धूप जलाएंगे, उनको नवेद चढ़ाएंगे और रक्त चंदन से उनका लेपन करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपने इत्र लाया है वो इत्र थोड़ा सा भांग और थोड़ा सा अबरक का जो आपके पास चूरा है वो उनके उनको अर्पण करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हौं नमः शिवाय इस मंत्र का 100 जाप करेंगे, मतलब या 108 जाप करेंगे। 50-100 का भी वर्णन है शास्त्रों में, तो जब दिया जाए तो करना चाहिए, लेकिन लोग 100 जाप जब आप करते हैं तो 100 जाप आपका होता है, उसके बाद का जो 8 जाप होता है वो देवताओं का और आपके गुरु का होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत जगह 100 जाप बोला जाता है, तो 100 जाप से लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले जो है एक माला महादेव का मंत्र का करके, और उसके बाद आपको जो मंत्र मैंने बताया ओम करमुखी, इस मंत्र का जाप करना है। आपको 10 दिन में कोशिश करना है कि 10,000 जो मंत्र जाप है वो पूरा कर लें। कई बार ऐसा होता है कि साधक पहली बार में इसको नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी बार तीसरी बार जो है इसको करके इसको समाप्त करना चाहिए। इस साधना को जब भी करेंगे तो कृष्ण पक्ष में करेंगे, शुक्ल पक्ष में हम इस साधना को नहीं करेंगे, क्योंकि ये साधना जो होती है इसका अंत तब होना चाहिए जब जो अमावस्या है वो नज़दीक हो और कम से कम अष्टमी पार कर चुका हो। ठीक है, जिस दिन अंतिम पूजा करेंगे, 10वीं जब आपका 10वां दिन होगा, जब आप 10,000 का जाप कर लेंगे, उसके बाद आप चाहे तो उसी रात्रि में या फिर अमावस्या का इंतज़ार करते हुए अमावस्या की रात्रि को, ठीक है, पीपल की समीधा लेंगे और उसमें गूगल लौंग और बेलपत्र मिला करके उसमें पर्याप्त मात्रा में चमेली का तेल, घी और साथ में धूमन, इन सब चीज़ों का मिश्रण करते हुए उसमें अगर तगर थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि सुगंधित हो, थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी मिलाएंगे और उसके बाद दशांश हवन करेंगे। इतना करने से आपको जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार जब मंत्र सिद्ध होगा, जब भी किसी विषय में जानना हो या आपको लगे कि अभी आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप चाहे तो सोते समय, शुरुआत में यही होगा कि आपको सपनों के माध्यम से बताया जाएगा, या फिर आप ध्यान मुद्रा में जब भी जाएंगे तो आपके पास जानकारी आने लगेगी। आंख बंद करके 108 बार इसी मंत्र का जाप करेंगे, आपके पास जो भी अभीष्ट जानकारी है, जो भी आपको जानना है, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पुराने युगों की साधनाएं हैं। हो सकता है कि जो 10,000 की संख्या वो 10,000 में ना हो करके 40,000 में हो, 4 गुना बढ़ता है, तो 40,000 का जाप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, लेकिन मंत्र जो है ये प्रमाणित है और ये कार्य जरूर करेगा। इसको आप सभी करें और इसका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को साधनाओं में सफल करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।